समराइज वे में फटाफट लर्न करते हैं कि क्या था रिप्लिकेशन ओरिजिन। प्रोकैरियोट में मोनोरिप्लिकॉनिक था, यूकैरियोट में आपके मल्टी रिप्लिकॉनिक थे। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन ओआरआईसी पाया जाता था डीएनए में, 9-mer 13-mer मेल्टिंग 9-mer से स्टार्ट होता था। एआरएस में जो पाया जाता है वो पाया जाता है AB1B2B3 डोमेन पाया जाते हैं। हेलिकेजेस डीएनए बी होता है इसमें, हेलिकेजेस यूकैरियोट में आपके MCM27 होते थे। प्रोकैरियोट में सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन SSB होता था, यूकैरियोट में रिप्लिकेशन प्रोटीन ए है। प्राइमेजेस में डीएनए जी होते हैं, यूकैरियोट्स में आपके प्राइमेजेस में जो प्राइमेजेस होते हैं और पॉलीमरेजेस होते हैं, पॉलीमरेज अल्फा फॉर द प्राइमर सिंथेसिस। इसके साथ साथ रिप्लिकेसेस में पॉलीमरेज थर्ड पाया जाता है, रिप्लिकेसेस में जो होते हैं पॉलीमरेज थर्ड होते हैं। यहाँ पे एप्साइलन और डेल्टा पाया जा रहा है। इन द केस ऑफ गायरेजेस दिस इज समथिंग जो कि आपके पाया जा रहा है ए एंड बी। टेपो आइसोमरेजेस में 1 and 2 है। बीटा क्लैंप में आपका प्रोसेसिविटी कॉम्पोनेंट बीटा क्लैंप होता है, यहाँ पे PCNA होता है। क्लैंप लोडर जो होता है गामा कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे रिप्लिकेशन फैक्टर सी होते हैं। रेट प्रोकैरियोट का ज़्यादा होता है जबकि आपके यूकैरियोट के कम होते हैं, ठीक है। नाउ इसके अलावा जो होते हैं प्रोसेस के ऊपर, डीएनए ए और पहले और आईसी से बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद जो है और डीएनए सी और डीएनए बी बाइंड करेंगे, ओपन करेंगे हेलिक्स को, सिंगल स्टैंड प्रोटीन बाइंड करेगा। डीएनए जी जो है यहाँ पे प्राइमेज का काम करता है और प्राइमर की सिंथेसिस कराएगा, और फिर प्राइमर सिंथेसिस होता है, आरएनए प्राइमर और इलोंगेशन शुरू हो जाता है। इलोंगेशन के लिए पॉलीमरेज 3 बाइंड करेगा, MGM2+ का रिक्वायरमेंट होगा, फॉर्मेशन लीडिंग लैगिंग का सिंथेसिस होता रहेगा। जब फॉर्मेशन पहुंच जाएगा तो टर्मिनेशन होने के लिए एक टस प्रोटीन होता है जो कि टर्मिनेशन साइट पे बाइंड करेगा और हेलिकेज के मूवमेंट को रोक देगा, तो यहां पे टर्मिनेशन रुक जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है ओआरआईसी के लिए, यूकैरियोट में ओआरआईसी ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, ओआरआईसी नहीं ओआरसी ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स बाइंड टू द एआरएस ऑटोनोमस रिप्लिकेटिंग सीक्वेंस से बाइंड करेगा। CDC6 एंड CDT1 जो कि हेलिकेज लोडर थे ओआरसी कॉम्प्लेक्स से बाइंड करेंगे, वो फिर हेलिकेज को लोड करेंगे एमसीएम को, उसके बाद फॉलोड बाय द एक्टिवेशन देन मेल्टिंग। एक्टिवेशन होगा, मेल्टिंग होगा, फिर रिप्लिकेशन प्रोटीन ये बाइंड करेगा, फिर प्राइमेज एंड पॉलीमरेज अल्फा आरएनए और आईडीएनए प्राइमर बनाएंगे, फिर पॉलीमरेज की स्विचिंग होगी क्योंकि पॉलीमरेज अल्फा स्विच करता है पॉलीमरेज एप्साइलन और डेल्टा में, एंड अभी तक टर्मिनेशन अननोन है। इसके बाद 2-3 चीजें आती है, प्रूफ रीडिंग इन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट एंड प्राइमर रिमूवल। प्रूफ रीडिंग एंड प्राइमर रिमूवल, इसके लिए कोई पॉली एक्टिविटी पाई जाती है और कैसे होता है उन्हीं के ऊपर हम बात कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन, दिस इज़ लाइक कि 2 चीज़ें हैं, ध्यान देना कि अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो और भी अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या है कि ये है एक प्रोकैरियोट और ये है यूकैरियोट, ठीक है। मैं सिंपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये है 5' और ये है 3', ये है 3' और ये 5', ठीक है। 5', 3', 3', 5'। अब न्यूक्लियोटाइड जब ऐड होगा, ठीक है, जब चीज़ें ऐड होंगी, मान लो कि 5', यहाँ पे कहीं पे भी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है, सिंथेसिस हो रही है, तो सिंथेसिस हमेशा अगर इस एंड से मैं मान लेता हूँ कि मान लो इसकी बजाय आप इस चीज़ को यहाँ से भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मली इस चीज़ को डिस्कस करूँ कि यहाँ पर ये चीज़ की बजाय ओराई जो है यहाँ पर है, ठीक है, तो ओराई जब यहाँ पे है तो आपको सीधा सा पता है कि ये 5' प्राइमर इधर होगा, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि ये जो है आपका प्राइमर कुछ इस तरीके से पाया जाएगा, ठीक है। चलो, सो प्राइमर आपका डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा, कैसा, 5' और 3', ये प्राइमर है। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो है ये न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा इसी डायरेक्शन में और इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड चलता रहेगा, किस में, ये है 5' to 3' डायरेक्शन में। नाउ अगेन द प्रॉब्लम इज दैट, प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि अगर आपको ये देखिएगा कि न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से ऐड हो रहा है, अब इसमें आपको प्राइमर को रिमूव करना है, फॉर प्राइमर रिमूवल आप इस एंड से तो नहीं जा सकते ना, इस एंड से तो नहीं जा सकते क्योंकि आपको न्यूक्लियोटाइड हटाना पड़ेगा। आपके पास एक ही पॉसिबल है कि आप इस एंड से जा सकते हैं, तो आपका डायरेक्शन क्या होगा, 5' to 3', और इसको हटाने के लिए कौन सा न्यूक्लियेज एक्टिविटी चाहिए, एक्सो न्यूक्लियस जो एक एक करके कट करे। सो 5' to 3' एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी जो होता है वो आपके पास जाता है पॉलीमरेज 1 में इन द केस ऑफ यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, ठीक है।
इसीलिए फॉर द प्राइमर रिमूवल ये काम हो जाता है। नाउ फॉर द प्रूफ रीडिंग, अब प्रूफ रीडिंग करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि आपके पास न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसे करके पहला न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और चल रहा है। अगर आपको चेक करना है कि फोर्थ न्यूक्लियोटाइड गड़बड़ है, डायरेक्शन ये 3' है, ये 5' है, ठीक है, अगर आपको चेक करना है तो यू कैन से दैट कि आप क्या करोगे, बैक ट्रैक करोगे, मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी आ जाएगी, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी आ जाएगी, किस चीज़ के लिए, फॉर दिस पर्टिकुलर रिप्लिकेशन प्रोसेस, ठीक है, मतलब किस, फॉर दिस पर्टिकुलर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, प्रूफ रीडिंग के लिए आपको ये प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में। सिमिलरली यहाँ पे प्रूफ पॉलीमरेज अल्फा जो होता है वो आपके प्राइमर रिमूवल भी करता है और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी करता है। इन द केस ऑफ यूकैरियोट प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो होती है, दैट प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करता है कौन, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के लिए पाया जाता है दैट 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और ये करते हैं पॉलीमरेज डेल्टा और एप्साइलन इटसेल्फ। लेकिन प्राइमर रिमूवल के ऊपर जब बात की जाती है, जब प्राइमर रिमूवल के ऊपर बात की जाएगी तो यहाँ पे जो हो जाता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्राइमर रिमूवल के ऊपर जब हम बात करेंगे, ठीक है, सो देखिएगा कि इन दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है, प्राइमर रिमूवल के ऊपर जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे होता है FEN और RNHH। क्यों, क्योंकि अब इस चीज़ में देखना, क्योंकि इसका जो प्राइमर होता है, अब इसमें जो है प्राइमर जो होता है, आपको पता है कि इन द केस ऑफ यूकैरियोट प्राइमर जो है वो कुछ देर आरएनए होता है और उसके बाद कुछ देर डीएनए होता है, ठीक है, तो आरएनए को देखिए, ये है डीएनए, तो सम पोर्शन आर आरएनए डीएनए हाइब्रिड एंड सम पोर्शन आर डीएनए डीएनए डीएनए, ठीक है, तो आरएनएच जो होता है वो क्या करता है कि वो आरएनए डीएनए हाइब्रिड में से, आरएनए डीएनए का जो हाइब्रिड होता है उसमें से आरएनए को तोड़ दिया, इसने आरएनएच को, इसको इस यहां पे काम करने वाला कौन होगा, आरएनएज एच, बस इसके बाद डिग्रेड करने के बचा, बाद बचा डीएनए। अब इसको तोड़ने के लिए यू नीड फ्लैप इंडोन्यूक्लिएज वन, फ्लैप इंडोन्यूक्लिएज के पास एक्सो की और इंडो की दोनों प्रॉपर्टी होती है और इससे ये तोड़ के इसको हटा देता है। सो दिस इज द केस जो कि आपके पा जाते हैं, तो इंडो एक्सोन्यूक्लियस तोड़ेगा और इसको हटा देगा और प्राइमर रिमूव कर देगा। तो फॉर द प्राइमर रिमूवल इन द यूकैरियोट FEN एंड RNHH की जरूरत होती है, दिस इज द केस इन द यूकैरियोट, ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ पे डिस्कस करी गई है इस पर्टिकुलर में कि पॉलीमरेज वन पाया जाता है इसके लिए और यहाँ पे ये चीजें होती हैं। अगर आप पॉलीमरेजेस के डिफरेंसेस के ऊपर बात करें तो डीएनए रिप्लिकेशन में इन द बेसिकली प्रोकैरियोट में 5 डिफरेंट तरीके के पॉलीमरेज पाए जाते हैं, 1, 2, 3 and 4, 5। 4 and 5 आर द वाई फैमिली पॉलीमरेजेस एरर प्रोन रिप्लिकेशन के लिए पाए जाते हैं। पॉलीमरेज वन is used like it is used for like DNA repair, proof reading and primer removal. Polymerase 2 is used for the polymerization or it assist the DNA polymerase. Third is the main replicating enzyme. Third जो होता है main replicating enzyme, यही पाया जाता है। पहला का काम primer removal, ये सारी चीज़ें होती है, दूसरा assist करता है, तीसरा main होता है, fourth and fifth Y family and error prone के लिए पाए जाते हैं। अगर यूकैरियोट के ऊपर बात करते हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यूकैरियोट में देखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉलीमरेज अल्फा ही था पॉलीमरेज वन में, पॉलीमरेज अल्फा ही था पॉलीमरेज वन में जिसके पास 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस पाई जाती है। दैट मीन्स ये है प्राइमर रिमूवल, ठीक है, प्राइमर। तो दिस इज समथिंग जो कि आपके पाया जा रहा है प्राइमर रिमूवल के लिए, ये पाया जा रहा है, ठीक है। कभी भी अगर जिंदगी में दिक्कत हो तो ध्यान देना कि जो हम नॉर्मली अगर बात करते हैं कन्फ्यूजन हो प्राइमर रिमूवल के लिए कौन सी एक्टिविटी होती है, तो अक्सर लोग बोलते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर का 56 इंच का सीना है, लेकिन मान लेना 53 इंच का है, ठीक है, तो ये आपका ध्यान हो जाएगा। और प्रूफ रीडिंग कब करते हो आप जिंदगी में, अपने चीज़ों को गलतियों से एहसास कर पाते हो, शुरू में नई शादी होती है लेकिन आप फिर उस वक्त गलतियां नहीं देखते, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो 35 से के एज में आते हो तो आप अपने हर गलतियों को चेक करते हो कि पता लगा बीवी कूट ना दे, तो प्रूफ रीडिंग 3 to 5' एक्सोन्यूक्लियस में होता है, ठीक है। चलो, सो दिस इज द केस एग्जैक्टली 5' to 3' फॉर पॉली प्राइमर रिमूवल। यहाँ पे देखिए किसी के पास नहीं पाया जा रहा है, दिस इज ऑल्सो नो,
किसी के पास नहीं पाया जा रहा है. सो दैट मीन्स इसीलिए यहाँ पे एफ ई एन और प्लस आर एन एच एच की जरूरत पड़ रही थी. ठीक है, पॉलीमरेज अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, ये भी पांच तरीके का होता है. अल्फा फॉर द प्राइमर फॉर्मेशन, और कैसा प्राइमर, आई डी एन ए की सिंथेसिस कराता है. बीटा फॉर द बेस एक्सीजन रिपेयर, बी से बीटा, बी से बेस एक्सीजन. गामा फॉर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिप्लिकेशन, गामा मा मतलब माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लिकेशन गामा. डेल्टा फॉर लैगिंग एंड एप्सिलॉन फॉर लीडिंग, वैसे दोनों सिंथेसाइज करते हैं लीडिंग लैगिंग को. अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो इस तरीके से ध्यान. अगर हम बात करते हैं टीलोमियर रिप्लिकेशन के लिए, तो टीलोमियर रिप्लिकेशन में जब हम बात करेंगे तो दिस इज समथिंग जो कि इन्वॉल्व हो जाता है यहाँ पे. टीलोमियर में एक एंजाइम की यूज होता है, दैट इज टीलोमरेज. टीलोमरेज क्या करता है, टर्मिनल ट्रांसफरेज टेम्पलेट डिपेंडेंट होता है. इट्स टर्मिनल मतलब टर्मिनल पे ट्रांसफर करेगा. ठीक है, और ये होता है टेम्पलेट डिपेंडेंट. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीन आरएनए कॉम्प्लेक्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम करेगा. एंड दिस इज लाइक रिकॉग्नाइज जी सिक्वेंसेस, टी टी ए जी 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 या टी टी ए जी जी सी. ये टी टी ए जी 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 या टी टी ए जी जी सी हो सकता है, टी टी ए जी जी सी ऑल्सो. डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस कैन बी द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. डायरेक्शन इसका भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ही होगा. आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं यहाँ पे इन्वॉल्व हो जा रहे हैं. आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है आपका ये केस जो है बन जा रहा है. ठीक है, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि यहाँ पे बहुत सिंपल सा पंगा है, देखने की कोशिश करो. आरएनए डिपेंडेंट मतलब एक आरएनए टेम्पलेट को यूज करेगा और डीएनए पॉलीमरेज को सिंथेसाइज करेगा. किस पे डिपेंड करता है, एज अ टेम्पलेट किसको यूज करता है, दैट इज आरएनए स्ट्रैंड. एंड सिंथेसाइज क्या करेगा, डीएनए. सो दैट इज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस. ठीक है, सी द डायग्राम हियर कि ये जो नॉर्मली केसेस में यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि टीलोमेरेज देखिएगा कि अपना खुद का आरएनए लेके आ रहा है. ये बाइंड किया कुछ यहाँ पे, बाइंड करने के बाद अब ये क्या हुआ कि यहाँ पे बाइंड किया, देखिए कुछ से पेयरिंग करी. टीलोमेरेज हैज एन एसोसिएटेड आरएनए दैट कॉम्पीट्स. इफ यू सी इफ यू कैन सी हियर द टीलोमेयर हैज एन एसोसिएटेड आरएनए दैट कॉम्प्लीमेंट्स, ये क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं and complement the 3' overhang, 3' overhang and end the chromosome. ठीक है, 3' overhang यहाँ पे complement करता है. 3' overhang के लिए telomerase complement किया. इसके बाद the RNA template is used to synthesize to complementary strand. जो RNA template है वो क्या करेगा, अब synthesize होगा complementary strand में. इसके आगे जो sequences हैं उन पे क्या होगा कि अब add होगा. इतना तो template की तरह काम किया, इसके आगे जो है इस RNA का use करते करते ये क्या करेगा, इसके आगे जो gap है इनको synthesize करेगा. See direction of synthesis in this. जैसे सिंथेसाइज होता रहा फिर उसके बाद टीलोमेरेज थोड़ा सा और शिफ्ट होगा. जब और शिफ्ट हुआ फिर से बाइंड किया, फिर से इसको और आगे एक्सटेंड करता चला गया. और जब प्रोसेस रिपीट कर लिया कुछ देर बाद, देन यहाँ पे जो ये गैप बना हुआ इतना एक्सटेंड कर लिया, देन इसके बाद क्या होगा कि पॉलीमरेजेस आएंगे, यहाँ पे बाइंड किया, ये बाइंड प्राइमर सिंथेसिस करने के बाद दिस शुड बी लाइक कि ये इस तरीके से पूरे गैप को फिल कर देगा. सो प्राइमरेजेस एंड डीएनए पॉलीमरेजेस फिल द थिंग्स. तो दिस इज द केस टीलोमेरेज कैसे आपके एंड्स का रिप्लिकेशन करता है. ठीक है, तो दिस इज टीलोमेयर रिप्लिकेशन. वन इज लाइक डी लूप रिप्लिकेशन. जब हम डी लूप रिप्लिकेशन के ऊपर बात करते हैं तो इट इज माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लिकेशन. डी लूप इसमें डिस्प्लेसमेंट लूप जाना जाता है. ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है. इसमें दो स्ट्रैंड होते हैं, एक हैवियर और एक लाइटर. हैवियर को एच बोला जाता है, लाइट वाले को एल बोला जाता है. हैवी स्ट्रैंड इज ऑल्सो नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड. हैवी को ही एक लीडिंग स्ट्रैंड का नाम देते हैं एंड लाइट स्ट्रैंड को लैगिंग का नाम देते हैं. क्यों, क्योंकि हैवी स्ट्रैंड की सिंथेसिस पहले स्टार्ट होती है. रिप्लिकेशन बिगिंस विद द रिप्लिकेशन ऑफ हैवी स्ट्रैंड स्टार्टिंग एट द डी लूप. यू कैन सी दिस इज द डी लूप. ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, डी जैसा. ठीक है, ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, डी लूप जैसा दिख रहा होगा. जब डी लूप जैसा दिख रहा है तो देखने सी बात है कि डी लूप रिप्लिकेशन हम इसको बोलेंगे. ठीक है, तो डी लूप रिप्लिकेशन है डिस्प्लेसमेंट की तरह काम कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्प्लेसमेंट लूप. इसमें जो पॉलीमरेज यूज होता है दैट इज पॉलीमरेज गामा, जो आपको अभी बताया गया था. पॉलीमरेज गामा विल बी यूज्ड हियर. ट्विंकल हेलिकेज, यहाँ पे जो हेलिकेज यूज होता है उसका एक नया सा नाम होता है, दैट इज ट्विंकल. ट्विंकल हेलिकेज जो होता है यहाँ पे पाया जाता है.
एच प्लस स्ट्रैंड जो होता है लीडिंग स्ट्रैंड है एंड एल इज द लैगिंग वन। पहले एच प्लस स्ट्रैंड की सिंथेसिस स्टार्ट होती है और ये चलता रहेगा, चलते चलते जब ये 2/3 के आसपास कंप्लीट हो जाएगा तब जाके एल स्ट्रैंड की सिंथेसिस जो यहां पे है वो स्टार्ट होगा। आफ्टर द 2/3 कंप्लीशन ऑफ 2/3 कंप्लीशन ऑफ द एच स्ट्रैंड तब जो है एल स्ट्रैंड की सिंथेसिस स्टार्ट होती है। सो दिस इज द डी लूप रिप्लिकेशन। सो ये चीज़ें होप कि आपको समझ में आ गई होंगी, आपने लर्न कर लिया होगा, और लर्न कर लिया है तो अच्छी बात है, इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम लर्न करेंगे और वो सारी चीज़ें। मज़ा आया है तो ज़रूर बताइएगा, नहीं मज़ा आया तो भी ज़रूर बताइएगा, डिस्कस करेंगे और लर्न करेंगे आपसे कुछ देर बाद और कुछ और सेशंस के लिए। बाय बाय, ठीक है। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चरशिप या पीएचडी का अरमान, हमारे पास से आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर सीएसआईआर 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, पीडीएफ नोट्स और भी बहुत कुछ। वेद में, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेद में वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। Use करिए कोड WED20 for getting the 20% discount. WED Me, educating India. WED Me, educating India.